हेलो व्यूवर्स दृष्टि आई के एडिटोरियल एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है इस सेक्शन में हम अलग अलग न्यूज़पेपर्स और न्यूज पोर्टल से आपके लिए एडिटोरियल्स चुनते हैं जिससे आपको भारत सहित विश्व में होने वाली अनेकों घटनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी मिल सके इस सेक्शन में हम सबसे पहले दिए गए एडिटोरियल को यूपीएससी सिलेबस से लिंक करते हैं उसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स और अंत में कुछ इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट डियर व्यूअर्स हम आशा करते हैं कि दृष्टि आई की तरफ से लिए गए इस इनिशिएटिव को आप काफी पसंद करेंगे और आपके सुझाव हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है तो कृपया कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव जरूर दें तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का एडिटोरियल एनालिसिस प्रिय व्यूअर यह वीडियो अंग्रेजी में भी उपलब्ध है देखना चाहें तो आप हमारे इंग्लिश चैनल दृष्टि पर जाएं। आपकी सुविधा के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंग्लिश का लिंक भी दिया गया है आज का एडिटोरियल हिंदुस्तान टाइम्स से लिया गया है जो 23 अक्टूबर 2020 को प्रकाशित हुआ है आज के एडिटोरियल का शीर्षक है पुअर एयर क्वालिटी इज अ डेंजर टू पब्लिक हेल्थ इट इज टाइम टू अ होलिस्टिक अप्रोच यदि आज के एडिटोरियल को हम समराइज करें तो हम ये कह सकते हैं कि खराब वायु गुणवत्ता सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है यदि एडिटोरियल को हम अपने यूपीएससी सिलेबस से लिंक करें तो हम उसे जीएस पेपर थ्री और मूलतः एनवायरमेंट बायोडायवर्सिटी इकोलॉजी इत्यादि सेक्शन से जोड़ करके देख सकते हैं आज के एडिटोरियल के कुछ प्रमुख बिंदु द स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर ट्वेंटी ट्वेंटी रिपोर्ट में भारत के लिए दो चेतावनिया या पूर्व सूचना मौजूद पहला भारत ने वर्ष 2019 में विश्व में सबसे अधिक वार्षिक औसत पीएम का मतलब पार्टिकुलेट मैटर 2.5 पॉइंट फाइव जोखिम दर्ज किया है और दूसरा वैश्विक स्तर पर भारत में पिछले एक दशक में पार्टिकुलेट मैटर 2.5 का सबसे खराब स्तर रहा है अब थोड़ी सी जानकारी जरा प्राप्त कर लेते हैं इस रिपोर्ट के संदर्भ में यह रिपोर्ट जो है यह है क्या देखिए जो स्टेट ऑफ़ ग्लोबल एयर रिपोर्ट है यह रिलीज की जाती है HEI द्वारा। ये HEI, एक स्वतंत्र नॉन प्रॉफिट रिसर्च इंस्टीट्यूट है जिसको फंडिंग जो है वो अमेरिका की यूनाइटेड स्टेट की जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी है ई पी इसको फंडिंग जो है वो मिलती है इस रिपोर्ट के अनुसार भारत बांग्लादेश पाकिस्तान नेपाल इत्यादि ये टॉप दस देशों में है इस रिपोर्ट के हिसाब से सबसे ज्यादा पार्टिकुलेट मैटर 2.5 का जो एक्सपोजर होता है उस सूची में ये जो चार देश मैंने आपको बताया अपनी जगह बनाते हैं अब यहां पे यदि हम लोग अगर बात करें तो हमें इस चीज को समझना है कि देखिए पॉल्यूशन को लेकर के एनवायरमेंट में ये जो डिग्रेडेशन हो रहा है इसको लेकर के सरकार ने भी अपनी अपनी कुछ इनिशिएटिव ली हैं जैसे कि यदि हम लोग बात करते हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के संदर्भ में तो कहीं ना कहीं पोल्यूशन से लड़ाई के खिलाफ ये इनिशिएटिव बहुत काम आ रहा है उसी हिसाब से नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम एनसीएपी साथ ही साथ हम लोग जानते हैं कि भाई जो भारत स्टैंडर्ड छो एमिशन स्टैंडर्ड है हम लोगों ने बी एस सिक्स उनको इंट्रोड्यूस कर दिया है तो ऐसे कुछ इनिशिएटिव्स हैं जो सरकार ने भी अपने तरफ से लिए हैं लेकिन ये इनिशिएटिव्स अभी पूरे नहीं पड़ रहे हैं हमें जरूरत है और जोर देने की देखिए इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़े थोड़ी सी जानकारी जरा पार्टिकुलेट मैटर यहाँ पे जो जिक्र आया है पीएम टू का थोड़ा उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर ले यदि हम लोग पार्टिकुलेट मैटर के बारे में बात करते हैं पीएम तो ये देखिए होता क्या है जनरली सॉलिड पार्टिकल और जो लिक्विड ड्रॉपलेट्स जो हवा में मौजूद होती हैं ये है आपका पार्टिकुलेट मैटर जो है वो बनाते हैं अब यदि अगर मैं आपसे कहूं ये पार्टिकुलेट मैटर होते कितने तरीके के के हैं हैं ये दो किस्म के होते हैं। पहला होता है पीएम टेन पार्टिकुलेट मैटर दस अब यहां पे अगर इस पार्टिकुलेट मैटर की हम लोग बात करें तो इसको सांस के थ्रू खींचा जा सकता है ये इंसान के शरीर में बड़े आराम से इसको इनहेल किया जा सकता है ये जो पार्टिकुलेट मैटर होता है इसका जो साइज होता है वो 10 माइक्रोमीटर यदि हम लोग डायमीटर की बात करें तो ये जो पार्टिकुलेट मैटर है इसका डायमीटर 10 माइक्रोमीटर या उससे कम होता है यह पहली श्रेणी होती है पार्टिकुलेट मैटर की देखिए जो दूसरी वैरायटी होती है वो होती है पीएम फाइव की अब यदि हम लोग पीएम के संदर्भ में बात करते हैं तो पार्टिकुलेट मैटर फाइव, ये भी सांस के द्वारा के अंदर खींचा जा सकता है शरीर में और यहां पर जो मटीरियल है जो पार्टिकल है उसका जो डायमीटर होता है वो होता है दो माइक्रोमीटर अब यदि हम लोग बात करें कि इसका सोर्स क्या होता है तो जो सोर्स होता है पार्टिकल

16,000 से अधिक शिशुओं की मृत्यु जन्म के एक महीना के अंदर हो गई देखिए इसी रिपोर्ट में यह कहा गया है कि पिछले साल एक लाख सोलह हजार बच्चे अपने जन्म के एक महीने के अंदर मर गए क्यों क्योंकि वायु प्रदूषण सबसे बड़ा कारण रहा इसमें यह भी कहा गया है इस रिसर्च में यह भी कहा गया है कि गर्भ अवस्था के दौरान यदि महिलाएं वायु प्रदूषण के बहुत ज्यादा संपर्क में आती हैं तो जो नवजात शिशु होगा उसमें हम लोग कम वजन की शिकायत देखेंगे और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि ज्यादा कंटिन्यूस एक्सपोजर इस तरीके के वायु प्रदूषण में अगर होता है महिला का तो वो प्री डिलीवरी मतलब समय पूर्व जन्म भी दे सकती है रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि वर्ष 2019 में आउटडोर और इंडोर यदि हम लोग बात करें आउटडोर या आंतरिक वायु प्रदूषण के कारण लगभग सोलह लाख सत्तर हजार लोग अलग अलग तरीके की बीमारियां जिसमें कि स्ट्रोक दिल का दौरा मधुमेह फेफड़ों के कैंसर क्रोनिक फेफड़ा रोग और नवजातों में होने वाले रोगों से उनकी मृत्यु हो चुकी है लगभग ये समझिए 1.67 मिलियन यानी कि सोलह लाख सत्तर हजार अभी यहां पे ऐसा किसी डायरेक्ट लिंक की पुष्टि नहीं हुई है जो कोविड और वायु प्रदूषण के बीच में जिसको हम लोग कर लेकिन यह माना गया है कि वायु प्रदूषण के कारण अब हार्ट हृदय संबंधित और फेफड़ा संबंधित लंग संबंधित जो बीमारियां हैं उनमें धीरे धीरे हम लोग इंक्रीज होता हुआ देखेंगे और इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि जो आने वाली सर्दियां हैं उसमें जो वायु प्रदूषण का जो स्तर है वो काफी बढ़ सकता है और उसके स्तर के बढ़ने से कई सारी बीमारियों में जो कि हृदय और लंग्स से संबंधित हो उसमें भी एक इजाफा देखने को मिल सकता है अब थोड़ा की बारे में जरा बात करें यहाँ पे देखिए बहुत समय से मतलब आप ये समझिए कि भाई वायु प्रदूषण को लेकर के कई सारे वैज्ञानिक रिपोर्ट्स आई हैं कई सारे वैज्ञानिक तथ्य आए हैं जहां पे दोनों ने केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने अलग अलग तरीके से इन समस्याओं को सॉल्व करने की कोशिश करी है कई बार आप ये समझिए न्यायालयों तक को भी उतरना पड़ा है और ऐसा ही एक इनिशिएटिव सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में दिया था जब सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के संदर्भ में एक प्लान जिसका नाम था ग्राप जी आर ए पी ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान जब इसको इंट्रोड्यूस करवाया था अब यदि हम लोग ग्राफ प्लान के बारे में बात करें तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने दिसंबर दो हजार सोलह में इंट्रोड्यूस करवाया था इसके पीछे जो सबसे प्रमुख एम था वो ये था कि भाई दिल्ली एनसीआर रीजन में जो एयर क्वालिटी खराब होती जा रही है उसको मॉडरेट जो लेवल होता है मॉडर से और ज्यादा खराब नहीं होने देना है। कोशिश है कोशिश रहेगी कि एयर क्वालिटी जो थी, वो देनाटल पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी उसको ये जिम्मा दिया गया था कि वो पूरे तरीके से दिल्ली एनसीआर में इस ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का इंप्लीमेंटेशन करवाए साथ ही साथ अभी हम लोगों ने हाल ही में यदि एक वीडियो स्टबल बर्निंग के ऊपर पराली जलाने पर मैंने एक बनाया था और वहां पे मैंने एक चीज का जिक्र किया था कि जो दिल्ली का जो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है वो एक डिकम्पोजर लेकर के आया जिसका नाम है पूसा डिकम्पोजर उस डिकम्पोजर में यदि आप पराली को रखते हैं तो पराली जो है वो बीस से पच्चीस दिनों के अंदर अंदर वो डिकम्पोज होकर के कॉम्पोस्ट में बदल जाएगी हालांकि यदि हम नेचुरल तरीका फॉलो करते हैं तो नेचुरल तरीका लगभग लगभग तीस से चालीस दिन का लेता है तो दिल्ली सरकार भी अब इस चीज के ऊपर पूरा जोर डाल रही है कि किस तरीके से पराली को कम से कम जलाया जाए वो पराली जलाने की समस्या यदि घटती है तो हम लोग देखेंगे कि हमारा जो एनवायरमेंट जो एयर क्वालिटी है उसमें हम लोगों को एक बेहतरी महसूस होगी आगे का रास्ता इन प्रयासों के बावजूद दिल्ली एनसीआर क्षेत्र का प्रदूषण बोझ स्तर पर ही बना हुआ है निश्चय ही किसी शहर की भौगोलिक अवस्थिति और उसकी मनोगत चुनौतियों पर भी विचार करना होगा देखिए इतने सब इनिशिएटिव लेने के बाद भी जो समस्या है वो जसकी तस बनी हुई है यहां पर एक बहुत बड़ी चीज जिसको हमें समझना होगा वो यह है कि दिल्ली के सामने ये सबसे बड़ी समस्या इसलिए भी है क्योंकि दिल्ली की आबादी बहुत ज्यादा है और साथ ही साथ हमें हर तरीके की चुनौतियों को देखना पड़ेगा जैसे कि हम लोग सब जानते हैं कि भाई कई सारे मतलब पराली जलाने के अलावा कई और भी मानवीय गतिविधियां हैं जिसके कारण से वायु की गुणवत्ता खराब होती जा रही है सबसे बड़ा एग्जाम्पल इसमें हो जाएगा आपका जो वाहन से

समस्या के खिलाफ खड़ी हो यह समय किसी भी तरीके की राजनीतिक इंटरेस्ट देखने का नहीं है अपने राजनीतिक इंटरेस्ट अपने पॉलिटिकल जो आपकी इंटरेस्ट है उसको इस समस्या से दूर रखिए जरूरी है कि सभी राज्य सभी पार्टियां एक साथ मिलकर के आए और एक तरीके की एक होलिस्टिक अप्रोच बनाए एक समग्र दृष्टिकोण बनाए कि, कि किस तरीके से हमें इस पोल्यूशन नामक समस्या से लड़ना है इसके साथ ही साथ कहीं ना कहीं भाई लोगों के ऊपर मॉनिटरिंग की बहुत जरूरत है और सबसे बड़ी बात लोगों को अब अपना जो व्यवहारगत जो उनके अंदर कमियां हैं उनको ठीक करनी पड़ेगी एक व्यवहारगत परिवर्तन लाने की जरूरत है लोगों के अंदर खुद यह कंसर्न होना चाहिए कि यह चीज ऐसी है जो मेरे लिए और मेरे जैसे और अन्य लोगों के लिए सबके लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है तो लोग जब तक अपने अंदर ये बदलाव नहीं लेकर के आते हैं पोल्यूशन की समस्या के प्रति तब तक हम लोग चाहे कितने भी इनिशिएटिव ले लें वो सब के सब जो है वो हमें आधा अधूरा बेनिफिट ही दे करके जाएंगे कंप्लीट लाभ नहीं प्राप्त हो सकता मानव स्वास्थ्य पर भारी खतरे के रूप में जहां जीवन पर दाव लगा हो वहां और विलंब उपयुक्त नहीं होगा और ये बात हम सब समझ रहे हैं ये जो नंबर्स जो आए हैं ये फिगर्स जो आए हैं ये अलार्मिंग है अब सचेत होने का समय आ गया है और हमें एकजुट एक साथ होकर के इस समस्या का जल्द से जल्द निवारण जो है वो खोजना होगा व्यूअर्स ये तो था आज का एडिटोरियल एनालिसिस अब आज के एनालिसिस से संबंधित कुछ प्रश्न जो प्रारंभिक परीक्षा में आपसे पूछे जा सकते हैं मूलतः इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के लेकर के एयर पोल्यूशन साउंड पोल्यूशन लैंड पोल्यूशन अलग अलग तरीके के पोल्यूशन के बारे में जानकारी प्राप्त करें साथ ही साथ प्राइमरी और सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स का जो क्लासिफिकेशन होता है थोड़ी उसकी जानकारी प्राप्त करें पार्टिकुलेट मैटर जैसे कि मैंने आपको बताया पीएम टेन पीएम एम फाइव इसके बारे में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और मेन संबंधित जो आपका प्रश्न हो सकता है वो ये कि भाई वायु की गुणवत्ता कैसे मापी जाती है वायु गुणवत्ता सूचकांक के मापदंडों और संकेतों को पर चर्चा करें तो यह था आज का एडिटोरियल एनालिसिस आई होप आप सभी को आज का एडिटोरियल एनालिसिस बहुत पसंद आया हो धन्यवाद